हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सत्यम शुक्ला। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉ पुत्रा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 में क्या डिफरेंस है। देखिए, 161 को समझने के पहले हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं कि सीआरपीसी में ये सारी चीजें 161 और 164 का यूज क्यों होता है। देखिए, जैसे कोई ऑफेंस हुआ तो आप क्या करते हैं, सीधे थाने में जाते हैं, वहां पे क्या रिपोर्ट कराते हैं, FIR। तो इसको हम किस में देखते हैं, 154 में क्या होता है, जैसे कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कोई भी जघन्य अपराध हुआ है तो उसका वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तुरंत से उस चीजों का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। देखिए, यहाँ पे क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसको आप IO के नाम से जानते हैं। तो जैसे FIR रजिस्टर कराया गया, उसके बाद तुरंत से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस को लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जो इस ऑफेंस के बारे में या उस क्राइम सीन पे प्रेजेंट था, तो वो उनको बुला के उनसे स्टेटमेंट लेता है कि अच्छा भैया बताओ, जब ये अपराध हो रहा था तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, या जिसने ये अपराध किया या जिसके साथ ये अपराध हुआ है उनसे आपका संबंध क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी चीज़ें, जो भी स्टेटमेंट, जो भी, चाहे वो अक्यूज के द्वारा दी गई हो, चाहे वो विटनेस के द्वारा दी गई हो, उसको पुलिस ऑफिसर क्या करता है, IO क्या करता है, उसको एक रजिस्टर में नोट डाउन करता है। अच्छा, ये रजिस्टर क्या कहलाता है? तो इसी रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, केस डायरी। चलिए आपको थोड़ी सी आसान सी भाषा में हम बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अक्यूज है या कोई विटनेस है, मतलब कोई अभियुक्त है या कोई गवाह है, वो आता है पुलिस थाने में, कहता है भैया और ऐसा ऐसा एक जघन्य अपराध हुआ है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और आप इसकी रिपोर्ट दायर कर लीजिए और चल के इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए। तो पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट करेगा और उस क्राइम सीन पे या उस क्राइम सीन के अगल बगल या उस क्राइम सीन के दौरान यूज किए गए जो भी चीजें हैं उनको जो जब्त कर लिया और फिर उसके बाद एक रजिस्टर पे नोट डाउन किया, उस मतलब केस डायरी में जो नोट डाउन किया वो कहलाता है स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट होता कैसा है? तो इसका कोई सब्सटेंटिव एविडेंसरी वैल्यू नहीं होती है, मतलब ये लिमिटेड पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। तो पुलिस ऑफिसर, जैसा कि हम सेक्शन 24, 25, 26 एविडेंस एक्ट में देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन जो है वो ऐसे एडमिसेबल नहीं होता है। तो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे क्या करेगा, कहेगा कि भैया हमारे पास जब इसका सब्सटेंटिव एविडेंस के तौर पे नहीं यूज किया जा रहा है और इसका बहुत लिमिटेड पर्पस है, तो एक काम करो, आप मेरे साथ 164 में मजिस्ट्रेट के समक्ष चलो और वहां पे ये सारी चीजें बोल दो। क्लियर? देखिए, 161 में एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे पुलिस के सामने सिर्फ स्टेटमेंट दी जाती है और पुलिस उस स्टेटमेंट को नोट डाउन करता है। यहाँ पे आप सिर्फ ओरली देंगे, मतलब अक्यूज या विटनेस जो भी रहेगा या कोई तीसरा इंसान है वो सिर्फ ओरली देगा, रिटन में नहीं देगा पुलिस ऑफिसर को। और पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आपको बाउंड नहीं करेगा या आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा कि भैया अब जब तुमने यहाँ पे आके ये सारी स्टेटमेंट हमको लिखवाई है तो यहाँ पे सिग्नेचर करो। तो याद रखिएगा, 161 में आपको, अगर आपने कोई भी वहां पे जाके बात बोली है, कोई भी स्टेटमेंट दी है या कोई गवाह दिया है, तो आप वहां पे साइन करने के लिए बाउंड नहीं रहेंगे। फिर अगर पुलिस आपको 164 में मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है तो मजिस्ट्रेट की कुछ ड्यूटीज होती हैं, मतलब उनको कुछ ऐसे चार्ज दिए रहते हैं कि भैया आप पहले अभियुक्त जो है, जो अक्यूज्ड है, उनको कुछ कुछ चीजें बताइए। जैसे क्या? अब जैसे कन्फेशनल स्टेटमेंट है या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट आपसे कहेगा कि भैया इनकी ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दो लोगों में से कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे उनकी ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो। अच्छा, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास ये पावर नहीं है कि वो ऐसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 164 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं और उनकी ज्यूरिडिक्शन है या नहीं है, दोनों केसेस में वो क्या कर सकते हैं, उनके स्टेटमेंट को, उनके कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आप नोटिस करिएगा, 161 में मैंने सिर्फ स्टेटमेंट बोला था, 164 में स्टेटमेंट के साथ साथ मैं कन्फेशन भी बोल रहा हूँ। क्यों? देखिए, कन्फेशन होता है क्या, ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई अक्यूज्ड है, उसने कहा कि भैया मैंने ऐसा ऐसा क्राइम किया है, मुझे शौक लग रहा था तो मैंने उनका मर्डर कर दिया, मुझे ऐसे रात में सपना आया कि मर्डर करने से फन मिलता है तो मैंने मर्डर कर दिया।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये होता है कन्फेशन, मतलब कोई अपने अपराध को एडमिट कर रहा है, वो कन्फेशन होता है। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कहेंगे, ठीक है भैया आपने अपराध किया है, लेकिन ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आप क्या ये स्वेच्छा से दे रहे हैं, आपके ऊपर कोई दबाव है। अगर ये सारी कंडीशन बताने के बाद जो अक्यूज्ड है वो कहता है कि भैया हम वॉलेंट्री दे रहे हैं, जज साहब हम जो है वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, हम स्वेच्छा से दे रहे हैं, जो भी हम कन्फेशन है, जो भी हम एडमिट कर रहे हैं, वो हमारी हमारी अंतरात्मा से हम स्वेच्छा से आपको दे रहे हैं। और उसके बाद जज साहब संतुष्ट हो जा रहे हैं कि हाँ भैया ये जो अक्यूज्ड है ये अपने मन से वॉलेंट्री सारे स्टेटमेंट सारे कन्फेशन दे रहा है, फिर उसको वो नोट डाउन करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। देखिए एक धनंजय वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था कि अगर मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करने के पहले ये टर्म्स लागू नहीं करते हैं, या ये टर्म्स जो हैं जैसे कि अक्यूज्ड को ये नहीं बताते हैं कि भैया आप बाउंड हैं या आप बाउंड नहीं हैं, ये सारी चीज़ें, क्या आपने जो कन्फेशन दिया है इसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। अगर सपोज करिए विटनेस जो था या अक्यूज जो था उसने कन्फेस कर दिया कि भैया हमने ये अपराध किया है, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब नोट डाउन कर लिए और उसके बाद उससे सिग्नेचर नहीं कराए हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट माना जाएगा? तो ये स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, इस केस में यही बताया गया था। और अगर मजिस्ट्रेट के पास अक्यूज आया, उसने कन्फेस कर दिया और मजिस्ट्रेट साहब लिख लिया और मजिस्ट्रेट साहब ये बताना ही भूल गए कि भैया तुम बाउंड नहीं हो, अगर तुमने कन्फेस कर दिया है तो इसके पीछे तुमको सजा भी मिल सकती है, तुम्हारी डेथ पेनाल्टी भी तुमको मिल सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, ये सारी चीजें, मतलब जिस लेवल का उसने ऑफेंस किया उसकी पनिशमेंट उनको नहीं बता रहे, तो ये कन्फेशन जो है वो वैलिड नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 161 और 164 का मेजर डिफरेंस यही है। 161 में आप पुलिस ऑफिसर के सामने जाके स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट आप ओरली देते हैं, उस पर आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। ये बात बताता कौन है? तो ये बात 162 बताता है कि भैया ठीक है आपने ओरली दे दिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो नोट डाउन कर लिए, ठीक है आपको साइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 164 में दे रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।